क्या इस बार ईद जाएगी सुनी? जैसे कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि बॉलीवुड के राधे यानी कि सलमान खान की अपकमिंग मूवी जल्द ही रिलीज होने वाली है टाइगर 3, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मनीष शर्मा। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी की रिलीज डेट का कोई अता पता नहीं चला है, और वहीं शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की रिलीज डेट रिवील कर चुके हैं, तो पूरा अटेंशन पठान फिल्म ही ले चुकी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि SRK ने सलमान खान की टाइगर 3 मूवी को दबा दिया है और उनका चार्म भी फीका कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सलमान खान टाइगर 3 मूवी की रिलीज डेट भी जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं। वैसे तो खबरों के मुताबिक ये पता चला है कि टाइगर 3 फिल्म को दिसंबर के महीने में रिलीज किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ईद इस बार सोनी जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप सभी को ये चीज पता ही होगी कि हमारे सलमान खान यानी कि बॉलीवुड के सल्लू अपनी मोस्ट रिलीज हुई डेट ईद में ही रखते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक और चांस है कि हो सकता है कि सलमान खान ईद पर कोई और दूसरी मूवी, बड़ी मूवी रिलीज कर देंगे। तो देखते हैं कि सलमान खान हमें कब करते हैं सरप्राइज। और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि कई फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि एक था टाइगर की ये सीरीज में कैटरीना कैफ को ही ज्यादा क्यों दिखाया जा रहा है। अब इसके पीछे कैटरीना कैफ का स्टारडम भी हो सकता है, या तो सलमान खान और कैटरीना कैफ का पास्ट कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है, जो फैंस का अटेंशन और फेम गेन करने के लिए हो सकता है। और रही बात कैटरीना कैफ की एक्टिंग की, तो सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही एक काफी जबरदस्त जोड़ी बनाते हैं और फैंस बेहद उन दोनों को काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस बार ऑडियंस टाइगर जिंदा है में टाइगर 3 में कैटरीना कैफ को बार बार देखकर बोर हो जाए, अनलेस एंड अंटिल मूवी में एक नया मोड या नया ट्विस्ट ना आ जाए। खैर, अब जो भी हो और जैसा भी हो, हमें और आपको तो एंटरटेनमेंट से ही मतलब है, जो कि इस बात की गारंटी है। ऐसे ही चटपटी और अनसुनी कहानियां हम आप तक जल्दी ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी ही पहुंच पाएं।